औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाली मुहम्मद। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग का छठा रोज़। इसराइल की जानिब से ममनुआ फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी तक इसराइल की जानिब से हज़ारों टन बारूद मिज़ाइल जो हैं वो फ़लस्तीन की जानिब फेंके गए हैं। इसके अलावा जो फ़लस्तीन है उसमें जो ज़ख्मी हैं उनमें तकरीबन 5,000 लोग ज़ख्मी हैं और उसके अलावा 1,200 तक शहीद हो चुके हैं, और जिनमें 110 अस्पताल और 48 स्कूलों को मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। 2.5 लाख से ज़ायद जो फ़लस्तीनी आवाम है वो बेघर हो चुकी है। इसके मुकाबले में जो हमास की कार्रवाई है उसमें जो नतीजे सामने आए हैं उसमें इसराइली जो हैं वो 1,300 से ज़ायद हलाकतें हुई हैं। इसके अलावा 3,000 जो हैं वो ज़ख्मी हैं। इसराइली फ़ौज जो हलाक हुए हैं वो तकरीबन 188 मतलब के 188, जबकि जो अमरीकी शहरी हैं उनकी तादाद 22 है। इसके अलावा इसराइली मीडिया का जो तिला अबीब समेत दीगर जो शहर हैं इनको नुकसान पहुंचाने का एतराफ़ कर लिया गया है। इसके अलावा जो यूरोपीय ममालिक हैं वो भी अब खुलकर सामने आ चुके हैं। जर्मन के जो वजीर दिफा हैं उन्होंने इसराइल को इजाज़त दे दी है कि वो जंगी ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं फ़लस्तीन के ऊपर। इसके अलावा जो जर्मनी है उसने अपने 5,000 शहरियों को इसराइल से वापस आने का कह दिया है कि वो वापस लौट आएँ जर्मनी की तरफ, और अमेरिका ने अपने शहरियों को हिदायत की है कि वो गाज़ा की जानिब पट्टी पर ना जाएँ। ये अब तक की कुछ अपडेट्स थी जो अब तक पहुँचाना जो लाजमी थी। अब दुआ है कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब हम आएँ, आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएँ तो इंशाल्लाह हमें कामयाबी नसीब हो, फ़लस्तीन को कामयाबी नसीब हो, तमाम उम्मत मुस्लिमा को कामयाबी नसीब हो, और जो हमारा दुश्मन है इसराइल वो इंशाल्लाह नीस्त तो नाबूद हो। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।